बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? दुआ करती हूँ आप सभी खुश रहें, आबाद रहें और जो है जल्द से जल्द कोरोना हमारे ज़िंदगियों से निकल जाए। बहुत परेशान है इस कोरोना के वजह से, तो अल्लाह ताला हमें इससे निजात दे दे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर मैं अपना जो टेरिस है वो साफ़ कर रही थी, बिकॉज बहुत सारी गंद हो गई थी। ये जो हमने थोड़े दिन पहले पाइपिंग का काम किया था, तो उसके पाइपें वगैरह सारी यहाँ पर पड़ गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज क्लीन कर लेते हैं। ऐसा होता है कि चलो कल करेंगे कल करेंगे, तो आज मैंने सोचा नहीं आज कर ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर वही क्लीन कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, बिकॉज़ ये मेरा डेली रूटीन है, जो मैं डेली करती हूँ वो आपको मेरे को बताना पड़ता है, तो मैं वही यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी पाइपें वगैरह कचरा कूड़ा जम गया था, तो मैंने इसको साफ़ कर लिया है। मेरे को बहुत देर लगा इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था मेरा टेरिस। और टेरिस एक ऐसी चीज़ है, वो साफ़ रहनी चाहिए, बिकॉज़ हम सुकून के लिए वहाँ बैठते हैं। अभी बारिशों के मौसम में भी जाके बैठने के लिए अच्छा लगता है। हमारी टेरिस पर छत है, तो हमें अच्छा लगता है वहाँ पर बैठने के लिए। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, तो अभी मैं टेरिस क्लीन करके आपको मिलती हूँ आगे। ये जो अभी आपने साइकिल देखी, वो मेरे बेटे की थी। मैं उसको नीचे रोड पर नहीं देती, यहीं टेरिस पर खेलने के लिए देती हूँ, बिकॉज़ हमारा सेकंड फ्लोर पर है, तो नीचे ऊपर हो जाता है, तो हमने उसको ऊपर ही रख दिया है टेरिस पे। तो जब कभी मन करता है तो वहीं जाके खेल लेता है। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था मेरी टेरिस, और मैंने अभी उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो अभी बहुत देर लगी थी मेरे को क्लीन करने के लिए, तकरीबन घंटा 1 आवर या 2 आवर हमको लग गया था उसको क्लीन करने के लिए। तो इसके बाद टेस्ट करने के बाद मैं अभी यहाँ पर आई हूँ नाश्ता करने के लिए, बिकॉज़ मैंने रोटी बना ली थी ऑलरेडी सुबह में, बना कर मैं वहाँ गई थी, बिकॉज़ बच्चे उठेंगे तो फिर मैं वहाँ काम करती रहूँगी, फिर यहाँ पर बच्चे नाश्ते के लिए मांगेंगे। तो मैं क्या की थी, पहले ही ब्रेकफास्ट बना के टेरिस क्लीन करने के लिए थी, जब तक वो सोकर उठेंगे मैं नाश्ता रेडी रखूँगी, ऐसा सोच के मैं बना के गई थी। तो मैंने अभी अपना नाश्ता कंप्लीट कर लिया है। मैंने नाश्ते में लिया था दाल, दाल को मैंने ज़ीरा और लहसुन डाल के और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के अच्छे से झोंक दिया था, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। आप भी बनाइए, आपके पास जो लेफ्ट ओवर दाल रहती है उसको थोड़ा लहसुन और ज़ीरा डाल के थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के झोंक दीजिए, बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी। अभी मैं यहाँ पर धो रही हूँ बर्तन, जो कि वो भी बहुत सारे बर्तन थे, मेरा बहुत ही बिजी दिन गया था वो, तो बर्तन ऐसे ज़्यादा हो गए थे कि सारे कंटेनर्स मेरे फ़िलअप करने के थे, शक्कर का कंटेनर और आटे का कंटेनर, तो यहाँ से बर्तन हमारे ज़्यादा हो गए थे। तो अभी मैं धो रही हूँ बर्तन। तो बर्तन धोते धोते मैं आपके साथ कुछ शेयर, मतलब शेयर नहीं, आप सबको तो ये पता होगा कि टिकटॉक बैन हो गया है, तो मेरे को बड़ा ख़राब लगा और एक तरफ से मेरे को अच्छा भी लगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि टिकटॉक बैन कर दिया गया है, मैं इसका अच्छा नहीं समझती हूँ और बुरा भी नहीं समझती हूँ। अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ लोग हैं जो उससे, उनका उसमें जॉब था, वो कमाते थे
कुछ लोग हैं जो फिजूल में, जैसे कि कॉलेज गर्ल्स बॉयज़, ऐसे सब जो टीनेजर्स गर्ल बॉय है, जो छोटे बच्चे हैं, सब सब टिकटॉक पे लग गए थे, तो मेरे को वो चीज़ बहुत बुरी लगती थी। तो मेरे को उस तरह उस एंगल से देखो तो मेरे को लगा कि चलो अच्छा हो गया, बच्चे बच गए सोशल मीडिया से। लेकिन हम ये बोल नहीं सकते, बिकॉज़ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं अपना ढूंढ ही लेते हैं, और ये ऐप नहीं तो कोई दूसरा ऐप। लेकिन फिर भी एक टिकटॉक निकल गया, तो वहाँ से मेरे को राहत लगी। मेरे को बुरा यहाँ से लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक के ज़रिए से कमाते हैं, तो उनको वहाँ से कुछ पैसा मिलता है तो वो घर चलता है उनका। बहुत से गरीब परिवार फैमिलीज़ हैं जो टिकटॉक बनाकर अपलोड करते हैं और उनसे उनको पैसा मिलता है, तो उनके लिए मेरे को बहुत बुरा लगा, बिकॉज़ उनकी रोज़ी का मसला था। बाकी तो क्या है, अल्लाह ताला सबको रोज़ी देने वाला है, बेशक अल्लाह ताला सबको रोज़ी, अपनी अपनी रोज़ी अपने टाइम पे पहुँचाए, आमीन। मतलब अल्लाह ताला हमें दे दे आसानी से अपनी रोज़ी। तो मेरे को यही थोड़ी बात करनी थी टिकटॉक के बारे में। कॉलेज गोइंग गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स, बॉयज़, छोटे बच्चे वगैरह सारे टिकटॉक पे आ गए थे, तो मेरे को बहुत ही ये लगता था चलो सब लोग यहीं पे लग गए हैं। तो वो बात से मेरे को थोड़ी खुशी हुई कि चलो बैन हो गया तो सब अपने अपने रूटीन पे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बिकॉज़ मेरे को पता है एक ऐप नहीं तो इंडियन कोई ऐप होगा ऐसा, तो वहाँ चले जाएंगे ये लोग, तो इसको तो हम रोक नहीं सकते, ये एक लत की तरह है। फिर भी देखेंगे आगे क्या क्या होता है। ऐसा भी हो सकता है कि टिकटॉक रिटर्न आ जाए, आई डोंट नो, क्या भी कुछ भी हो सकता है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी मेरे बर्तन यहाँ पर धो के हो गए हैं, तो अभी मैं किचन टॉवल्स वगैरह वॉश कर रही थी। किचन टॉवल्स वगैरह मैं मशीन में बिल्कुल नहीं डालती हूँ, बिकॉज़ वो रहते ही दो या एक है, तो मैं वहीं पे बर्तन धो के उनको थोड़ा सोक कर लेती हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं कपड़ों को थोड़ी देर सोक करती हूँ, मैं उसमें ब्लू करती हूँ कि थोड़ी देर सोक हो जाएंगे तो उनके दाग वगैरह लूज़ हो जाएंगे, तो धोने में जल्द से वॉश हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर किचन टॉवल्स वगैरह सारे बैठकर यहाँ पर धो रही हूँ जहाँ मैंने बर्तन धोई थी। तो अभी मेरे को बहुत सारे काम है, आज मेरा बहुत ही बिजी डे है, तो आपसे मिलती हूँ मैं। ये देखिए अभी मैं यहाँ पर क्लीन वाटर में इसको जो है ना थोड़ा खंगाल रही हूँ इन कपड़ों को, और मैं और एक पानी से खंगालूँगी। किचन का ऐसा होता है ना, बहुत ही हमें रिस्क से काम करना पड़ता है, बिकॉज़ किचन में यूज़ की चीज़ें हमारे पेट में जाती है। तो किचन टॉवल्स वगैरह को मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, और जो है मैं किचन टॉवल्स में डेटॉल नहीं डालती, बिकॉज़ हम उसको किचन में यूज़ करते हैं तो डेटॉल, मेरे को लगता है ऐसा। आप भी अपना राय मुझको बताइए, मुझे कमेंट में अपना एक अपनी एक चीज़ बताइए कि आप भी ऐसा क्या करते हैं। तो मैं क्या, मेरे को ऐसा लगता है कि वो डेटॉल पेट में चला जाएगा, मेरी ऐसी सोच है। तो मैं इसमें कुछ उसमें डेटॉल लिक्विड वगैरह नहीं डालती, सीधा अच्छे वाटर से धोकर मैं अच्छा ये करती हूँ। अभी मैं यहाँ पर अपना जो वॉश बेसन है उसको वॉश कर रही हूँ। वॉश बेसन तो डेली मेरे को साफ़ करना पड़ता है, बिकॉज़ मेरे छोटे बच्चे हैं, तो कभी पेस्ट लगा दिए वो तो धोना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर वॉश करने के बाद, अभी मैंने मशीन में जो कपड़े डालते हैं वो मेरे हो गए हैं, तो मैं यहाँ
फाइनली जो मेरे कपड़े हैं ना सुखा के हो गए हैं। ये देखिए बहुत सारे आज कपड़े धुल्ले में थे जो मैंने सुबह ही सुबह उसको सोख किए थे और मैंने मशीन में डाल दी थी। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े सुखा कर अभी मैं मिलती हूँ। तो माशाल्लाह से मेरे यहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं। इसी के साथ लेती हूँ मैं आपसे अलविदा। इंशाल्लाह ताला और मिलेंगे अगले व्लॉग में। मेरे व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।